एग्जाम में कितने दिन बाकी है वाकिफ? पता नहीं, बहुत दूर को दिन बाकी है। तुमने कितना पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा यार, क्या पढ़ो यार, सिलेबस ही नहीं पता यार। हम लोग को ये नहीं पता ब्लॉग में क्या बोलना है। आगे कहाँ से शुरू? हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे और खुश होंगे और अपने अपने घरों पे होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, जो कि मैं नहीं हूँ। एंड आई नो मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, बिकॉज एक मिनट है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम सर पे है, एग्ज़ाम का बिल्कुल टाइम नहीं है। 8 तारीख से एग्ज़ाम है और पढ़ पढ़ के बहुत बुरा हालत है। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा फिर मैं बहुत अच्छे अच्छे कुछ कुछ सोच के बनाऊंगी। सो मुझे लगा था कि मैं कैप्चर करूँ कुछ, है ना, क्योंकि ये स्ट्रेस लेवल हमारा बहुत ज़्यादा ही होता है एक्चुअली, तो मैं वही कैप्चर कर रही हूँ। और आई होप आप लोगों को पसंद आए ये ब्लॉग, बिकॉज मेरे पास कुछ एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है इसके अलावा। सो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ नहीं रही और ब्लॉग बना रही हूँ, तो ऐसा मत सोचना। सो बस ऐसे ही कैप्चर कर रही हूँ, मुझे पसंद आया, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, तो छोटी छोटी कैप्चर्स करूँगी और छोटा सा ब्लॉग रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड, अभी मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। विल मीट यू इन द लाइब्रेरी, बाय बाय। एग्जाम स्ट्रेस, ओ स्ट्रेसफुल लड़की। से हेलो टू द ऑडियंस, से हेलो। एग्जाम का स्ट्रेस हो गया ना, अभी 10 दिनों में स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, फिर तुम जाओगे घूमने आसाम, है ना। अरे वो बच्चे आज एग्जाम में चाय पे जिंदा है ना, चाय पे जिंदा नहीं, दुआओं पे जिंदा है हम लोग। कैसा लग रहा है तुम्हें एग्जाम में? कितने दिन बाकी है वाकिफ? पता नहीं, बहुत दूर को दिन बाकी है। तुमने कितना पढ़ा रे? कुछ नहीं पढ़ा यार, क्या पढ़ो यार, सिलेबस ही नहीं पता। हम लोग को ये नहीं पता ब्लॉग में क्या बोलना है। आगे कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ अब बस ये है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर आ जाता तो सुबह, नहीं तो सुबह अल्लाह। कितने सब्जेक्ट है इसमें? पैथो है और माइक्रो है। तुम्हारे एग्जाम कब से है? जो है इसमें आंसर है कि क्वेश्चन है, ये भी नहीं पता। इसमें से भी मैं जो इजी है ना वो चूज करूंगा भैया, मैं पढ़ सकता हूँ। बताओ तुम्हारे मैं छोड़ दूंगा। तुम्हारे एग्जाम कब से है? तुम्हारे एग्जाम कब से है? पता नहीं एग्जाम। तुम यहाँ क्यों आए हो? एग्जाम कब है भाई? तुम इस दुकान में क्यों आए? हम लोग सोचते हैं कि चाय पीने से स्ट्रेस कम हो जाता है। अब स्ट्रेस कम करने के लिए ये नहीं है पढ़ाई करें, लेकिन हम चाय पी के तुम भी इसमें बिलोंग करती हो। तुम भी चाय पे हम पढ़ाई का डिस्कशन। कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। आप लोग अपना एग्जाम अच्छे से देना। ऐसा मुझे पता है तू ब्लॉग के लिए कॉन्टेंट बना रही, बिकॉज ढाका सेंट्रल मेडिकल कॉलेज। मैं भी छोटा मोटा ब्लॉगर हूँ। ओके गाइस, ये भी ब्लॉगिंग करता है, हाँ, इसको फॉलो करना। गुड, ये लड़की का देखो पढ़ते पढ़ते बुरा हालत। प्रिपरेशन के मन तुम की करते सो? शुद्ध शी इज ऑलवेज इन टू लाइब्रेरी ऑल 24 आवर्स। बताओ पढ़ा लिखा तो सब शेष है ना? की पढ़ लिए की खाचो कतो खा भैया?
खाना खाने आए हुए हम हॉस्टल, तो मैंने वही फ्राई करने जाना है किचन में, तो मैं फ्राई करूँगी खाऊंगी, बस तो चाह रहा है। सो अब खाना खाने के बाद हम चाय पीने जा रहे हैं, चाय हमारे सबसे प्यारे प्रिय अली भैया के पास। मैं आपको दिखाऊंगी वो लोग कैसे बनाते हैं। फेमस चाय का दुकान, ठीक है भैया, ये भैया का चाय का दुकान है। भैया आप चाय बनाओ, हम दिखाएंगे। चलो, ये फेमस बांग्लादेशी चाय का दुकान है जहाँ पे हम हमेशा क्लास की बात करते हैं। भैया ने डाला आधी, भैया ने डाला आधा। भैया आपने क्या डाला है अभी? अभी तो एफ एनएलएस दिली थी, तापुर आधा डाल दी। नहीं नहीं, ऐसे यूट्यूब का वीडियो है ना, एक बार उनका फेस के साथ। हाँ चलो डालो स्टार्ट की दादा। अब ये देखो यहाँ पे, ये बांग्लादेश में बहुत बहुत ऐसे किस तरीके से चाय बहुत पसंद करते हैं लोग। गुरा दूध का चाय, गुरा दूध बोलते ना भैया? ये जो अली भैया है ये इंग्लिश भी बोलते हैं। भैया इंग्लिश बोल दो तो थोड़ा। अभी देखो इन्होंने पानी डाला है, गरम पानी, उसके अंदर भैया क्या था वो चाय पत्ती था ना, इलायची डाला था। हाँ? डाला है अदरक, फिर पाउडर, फिर डाला हूँ क्रीम मिल्क। ये क्रीम मिल्क डाल रहे हैं भैया और उसके साथ मिक्स कर रहे हैं। ये भी एक तरीके का चाय है जो यहाँ मिलता है, यही मिलता है सिर्फ, है ना, बोलो हमारे देश में तो नहीं मिलता इस तरीके से। ये फेमस चाय वाले अली भैया, ये इनका दुकान। ये चाय ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और इस चाय को हम पता नहीं दिन में 50 बार पीते होंगे। हाँ अभी कॉफी डाल रहे सुंदर से, इसके खपत तो अच्छा होता है। हाँ तो दिस इज इट, बहुत अच्छा चाय है। थैंक यू भैया। बैक टू वापस हमारा लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। Are you tired? Why? Samundra, samundra. Kab exam? 3 din pore. Take time, make it prof. Time. So why are you studying like prof? Sara man ka bada acha video bhi nikala. So, यही है हमारी डेली रूटीन, तो इतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, तो वही है। अगर आपको डिप्रेशन फील हो, अगर आप MBBS कर रहे हो, तो हमेशा सोचो कि आपने क्यों एडमिशन लिया था MBBS में, एंड आपको कंप्लीट करना है क्योंकि आप तैर रहे हो, बीच में पहुंच गए हो और अचानक से नहीं छोड़ सकते। सो यू हैव टू डू एंड हैव टू डू एंड हैव टू डू, क्योंकि एंड तो आएगा ही, अच्छा आए बुरा आए आना तो है ही। सो जस्ट ट्राई एंड स्टडी, छोड़ना मत, यू विल मेक इट, आई नो। सो यस, यही था मेरा डेली रूटीन। डेली रूटीन मतलब क्या, मेरे एग्जाम्स टाइम का रूटीन है एक्चुअली, तो आई नो बोरिंग है लेकिन कुछ नहीं कर सकते। अभी एग्जाम्स आने वाला है, देन वी हैव टू गेट सीरियस। अभी 8:30 हो रहा है, अब मुझे रूम भी जाना है। थक गई हूँ कि ये भी बोलने में डर को लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा है, कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप नहीं करते सब्सक्राइब, करो सब्सक्राइब, कर दो यार, बहुत मेहनत है इतना पढ़ने के बीच में भी ये वीडियो बनाना, इज़ सो टफ। एनीवेज, खुश रहना, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।